मैं स्कूल में कभी कोई प्राइज नहीं जीता, लाइक एक बार मुझे मिला था कॉन्सोलेशन प्राइज। कॉन्सोलेशन प्राइज पता है क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आता कॉन्सोलेशन प्राइज। हिंदी में से कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। वो टीचर भी बच्चों को भीख में देता जब उसको लगता है इसको दो नहीं मर मरना जाए यार, ये शख्स उसकी फट गई थी यार। उसने देख लिया था मेरी आंखों में मौत का मंजर। उसने मेरे हाथ में ट्रॉफी दी और कान में को बोला, बेटा घर जाके फोन कर देना तुम यार, लटक मत जाना, तुम्हारे हालात ठीक लग नहीं रहे। अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे पता चल गया था लोग मुझे निकालने वाले। एक्चुअली मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। पर मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूँ कि अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो ज़रूरी नहीं कि तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो। हो सकता है तुम हराम खोर हो। दुनिया वाले जब जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तो अब नहीं मेरे पास जॉब, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं कल की चिंता नहीं करता। उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा? तो मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूं हाउ टू सर्वाइव विदाउट फूड। और देखो, जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला, लाइक अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूं। मुझे पता ही नहीं था, वो बस मुझसे काम करवाए जा रहे थे। अब मुझे मिल गया है बेड, अब मैं पड़ा रहता हूं। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है, ये मैं देख रहा हूं। और मैं जाके बाहर लोगों से बता रहा हूं, दोस्त ये सिर्फ कहावत नहीं है, मैंने देखा है।